हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना करंट अफेयर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन कर रहे हैं। करंट अफेयर का जो भी सेशन मैं करा रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में देखिए आपके कोई एग्जामिनेशन तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन आप अपने नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आने वाले जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए भी आप पहले से ही तैयारी करके रख सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ जिनका मैं व्हाइट बोर्ड पे बेसिकली डिटेल में आंसर करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करा करिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप लोग उसे पढ़िएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत चाइना के बीच हिंसक झड़प जो हुई है वो किस सेक्टर में हुई है? तो ये गलवान सेक्टर में हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गलवान सेक्टर। ध्यान रखिएगा, गलवान सेक्टर में हुई है। अब मैं आपको भारत का जरा ऊपर ही नक्शा दिखाता हूँ, जो उत्तर भारत का नक्शा है वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, ये इस तरह से आपने भारत का मैप देखा होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नेपाल है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये नेपाल है इस तरह से, और जो ऊपर है ये तिब्बत का हिस्सा है। ठीक है, तिब्बत जो चीन के अंडर में आता है, चीन इसको क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है। ठीक है ना, तो तिब्बत किसका हिस्सा है, चीन का हिस्सा है, ऑफिशियली रूप से है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि जो आज की घटना क्या हुई है। आज की घटना ये हुई है कि जो तिब्बत यहाँ पे लगता है, जो चीन का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, एक बार पहले थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा, ये जो मैं रेड लाइन से बना रहा हूँ ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये क्या है, LOC है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जो इधर का हिस्सा है जो आप देख रहे हो, ये POK है, POK, POK मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, और जो LOC लाइन बनी थी ये यूनाइटेड नेशन के मतलब जो बीच में इंटरफेयर करने के कारण ये बनी थी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ऑफिशियली तौर पे ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये जो है ये हमारे ऑफिशियली तौर पे हिस्सा नहीं है, मैं सही बात कर रहा हूँ आपसे। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ऑफिशियली जो होता है उसमें ये जो हिस्सा है ये POK का हिस्सा दिखाया गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का। ठीक है, अब यहाँ से मैं बात करता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं बना देता हूँ। दूसरी बात मैं करता हूँ, एक अस्काई चीन का हिस्सा है ये कुछ इस तरह से जो हिस्सा है, मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हिस्सा है, ये ग्रीन हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ना, ये अस्काई चीन है। ये क्या है, अस्काई चीन। और जो ये हिस्सा ऑफिशियली किसका है, चीन का है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफिशियली बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये जो हिस्सा स्काई चीन का हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, चीन का हिस्सा है। यहाँ पर चीन की जो PLA है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो यहाँ पे इसकी निगरानी करती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो पाकिस्तान की आर्मी है वो करती है। ठीक है, अब जो ये हिस्सा बसता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, जो ये हिस्सा है, ये सियाचिन है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। अब देखिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये एकदम कहेंगे आप पॉइंट सर इधर थोड़ा किसका ये, थोड़ा उधर किसका ये, एकदम एग्जैक्ट ना समझिएगा, मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो ये हिस्सा है, ये कौन सा है, ये सियाचिन ग्लेशियर का है, और ये किसके अंडर में आता है, ये आता है भारत के अंडर में। ठीक है, ये आता है किसके अंडर में, भारत के अंडर में आता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सियाचिन ग्लेशियर को थोड़ी देर में मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, और जो गलवान हिस्सा है, देखिए यहाँ पर फिर से देखिएगा, ये जो हिस्सा है, ये जो है, ये है जम्मू एंड कश्मीर का, ये है JNK का हिस्सा है। ठीक है, भारत का, ये JNK भारत का है, और जो ये हिस्सा बसता है, ये है लद्दाख का। ठीक है, लद्दाख का हिस्सा है। तो जहाँ पे अभी झड़प चल रही है, या फिर गलवान सेक्टर कहाँ पे है, तो गलवान सेक्टर कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे, ये है गलवान सेक्टर, ये गलवान सेक्टर है, और यहीं पे बेसिकली क्या है, हिंसा झड़प हो रही है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो है, जो PLA है, जो चीन की जो आर्मी है PLA, ठीक है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो यहाँ गलवान सेक्टर तक पहुँच गई है, और यहाँ पे अपना कब्जा थोड़ा सा करने की कोशिश कर रही है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिस्सा है, अगर मैं बालू जो गलवान सेक्टर कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे पूर्वी लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे बेसिकली गलवान सेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए,
दूसरी मैं बात करता हूं कि अभी नेपाल ने भी क्या किया है, एक एक्ट पारित किया है, और उस एक्ट के तहत क्या किया है, तीन जगह को कलापनी और क्या कहते हैं लिपुलेख और एक और है, ठीक है, तीन जगह को बेसिकली यहाँ पे कलापनी, ये कलापनी यहाँ पे है, लिपुलेख यहाँ पे है, और लिम्फिया धूरा, ये तीसरा है लिम्फिया धूरा, ये तीन जगह को नेपाल ने क्या किया है, बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पारित करके एक्ट बन गया है, अब जो उसको करके अपने सीमा में इसको दिखाया है, ठीक है। मैं तीनों के नाम लिख देता हूं, जो तीन रेड पेन से मैंने आपको दिखाए हैं, ये तीनों जो जगह हैं, एक है लिपुलेख, लिपुलेख, ठीक है, दूसरा है कलापनी, कलापनी, और तीसरा है लिम्फिया धूरा, लिम्फिया धूरा। ये बेसिकली जानते हैं ये तीनों की तीनों जगहें कहाँ पड़ती हैं, उत्तराखंड में पड़ती हैं, और उत्तराखंड का हिस्सा क्या 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 किया है नेपाल ने, अपने क्षेत्र में दिखाया है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें हमें पता चलती हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी जो जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको ये चीज़ बताई है, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ना आए, लेकिन आपके कहीं ना कहीं जो नॉलेज के पॉइंट ऑफ से मैंने बताया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िएगा, सेकंड क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे चार्ट दिखेगा, कोविड 19 सिचुएशन इन इंडिया, ठीक है, टोटल जो केसेस हैं अब तक, ये जो न्यूज़ है ये 16 जून तक की न्यूज़ है, और टोटल जो केसेस हैं 3,43,000 हैं, डेथ जो हो चुकी है 9,900, मतलब आप 10,000 मान सकते हो, ठीक है। रिकवर्ड कितने हुए, 1,80,000 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, टोटल टेस्ट कितने हुए, ये थोड़ी सी खराब न्यूज़ है। देखिए, टोटल टेस्ट अगर भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर जगह इन्फेक्टेड नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर इलाकों में इन्फेक्टेड हैं, और 59 लाख जो हैं वो बेसिकली अगर टेस्ट हुए हैं तो बहुत ही कम टेस्ट हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र में है इस समय प्रेजेंट टाइम में 1,10,000 लोग इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड मोस्ट अफेक्टेड एरिया है वो है तमिलनाडु 46,000 केसेस के साथ में, थर्ड है दिल्ली जो नियर अबाउट है 42,000 केसेस के साथ में, और चौथे नंबर पे आता है गुजरात, ठीक है, 24,000 केसेस के साथ में। पांचवे नंबर पे यूपी है जो नियर अबाउट आज की डेट में बात करूं, ठीक है, मतलब 18 जून तक की बात करूं तो नियर अबाउट 18,000 केसेस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा, देश की राजधानी दिल्ली में किस कोविड 19 टेस्ट को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर है रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है, रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ठीक है, किसने जोर दिया है, बेसिकली दिल्ली सरकार ने ही इसको जोर दिया है, दिल्ली सरकार ने, ठीक है, दिल्ली सरकार ने कहा है, दिल्ली सरकार ने, देखिए क्या हो रहा है ना, बेसिकली जो दिल्ली सरकार है या अरविंद केजरीवाल जो सरकार है बेसिकली, वो अगर पर डे की बात करें, पर डे कितने टेस्ट हो पा रहे हैं, 8,600 नियर अबाउट, 8,600 के आसपास टेस्ट हो जा रहे हैं, जो कि कम है, ठीक है। हर दिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह टेस्टिंग अवेलेबल होनी चाहिए वो नियर अबाउट 25,000 है पर डे होनी चाहिए, जो कि 8,600 बहुत कम है, तो इसीलिए क्या गया है, रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है उसको बेसिकली क्या किया गया है, विचार में लाया जा रहा है, ठीक है। इस पे ICMR की मुहर चाहिए, ठीक है, तो ICMR ने बेसिकली क्या किया है, इस पे मुहर दे दी है, ठीक है। मैंने आपको अभी 3 दिन पहले एक बताया था कि कितने तरह से टेस्ट होते हैं कोविड 19 में, तो मैंने आपको बताया था 4 तरीके से टेस्ट पॉसिबल हैं, लेकिन ये 5वां है, ठीक है, ये 5th है। एक तो एलिसा मैंने बताया था जो फर्स्ट टाइप का टेस्ट होता है, दूसरा होता है RT-PCR, ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया था रैपिड एंटीबॉडी। देखिए एक बात समझिएगा, रैपिड एंटीबॉडी और रैपिड एंटीजन दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंट टेस्ट हैं। रैपिड देखिए ब्लड में क्या आता है, एंटीबॉडी भी पाई जाती है और एंटीजन्स भी पाए जाते हैं, तो दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। अगर मैं 4th नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे है आपका एक टेस्ट आता है, मैं भूल गया हूँ, हाँ, ट्रू नेट, ठीक है, ये बेसिकली टेस्ट है, ठीक है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट
क्यों नहीं लाया जा रहा, जबकि ये बहुत बहुत जल्दी हो जाता है, 30 मिनट के अंदर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, 50-50 चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि वो नेगेटिव हो पॉजिटिव, आ जाओ पॉजिटिव हो नेगेटिव शो कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे 50-50 चांसेस होते हैं, इसलिए इससे जो थोड़ा सा बेहतर टेस्ट है रैपिड एंटीजन से, ये भी जल्दी हो जाता है, नियर अबाउट 30 मिनट में हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा इससे ज़्यादा कहीं बेहतर टेस्ट है। देखिए अगर पॉजिटिव है तब तो आप पॉजिटिव मान के चलिए, लेकिन अगर निगेटिव है तो उसके एक दो दिन बाद फिर आपको एलिसा टेस्ट कराना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको लक्षण लग रहे हैं तो। मेरी बात समझिए आप लोग, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे ये चीज करी गई है। और अभी आपको पता है कि जो है जो ट्रेन के कोचेस है उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा बेसिकली COVID-19 आइसोलेशन बेड के रूप में, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई थोड़ी सी। बलराम भार्गव ICMR के, आपसे पूछ सकते हैं अध्यक्ष कौन है या डायरेक्टर कौन है ICMR के, तो बलराम भार्गव हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बलराम भार्गव कौन है ICMR के हेड, ठीक। चलिए, और जो रैपिड एंटीजन बॉडी की जो टेस्ट रखा गया है, जो मैक्सिमम रखा गया है, वो 450 रुपए रखा गया है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है, अभी हाल ही में किस राज्य ने गायों के स्लॉटर हाउसेस को लेकर के फास्ट ट्रैक कोड बनाने की बात कही है। तो ये बेसिकली जो बात कही है ना, वो हरियाणा सरकार ने कही है। हरियाणा सरकार को और कुछ मिल नहीं रहा है इस समय, इतनी बड़ी समस्या है, क्या कहते हैं बेसिकली भारत में पैंडेमिक पूरा आया हुआ है, भारत के लिए तो एपिडेमिक है लेकिन ये पूरा पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में आया हुआ है, लेकिन हरियाणा सरकार को सिर्फ यही सब सोच रहा है अभी, ठीक है। और दूसरी बात इनको क्या सोच रही है मैं और बता देता हूँ, इनको सोच रहा है कि अभी एक फ्रीडम लॉ बनाने वाले हैं, एंटी फ्रीडम लॉ, ठीक है, एंटी फ्रीडम लॉ बनाने वाले हैं। उसमें क्या होने वाला है, बेसिकली जो भी अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये केवल उन उन जिलों के लिए होगी जहाँ पे जो हिंदूज हैं वो माइनॉरिटी में, ठीक है। तो ऐसी सोच है, मैं क्या कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं कि जो स्लॉटर हाउसेज हैं वो हरियाणा सरकार ने अभी बनाए हैं। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो मनोहर लाल खट्टर कौन है भाई, हरियाणा सरकार में CM है, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मनोहर लाल खट्टर कौन है, हरियाणा के CM है, ठीक है। चलिए, जो बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं थी, छोटी सी न्यूज़ थी, ठीक है। एटलीस्ट आपको जितने भी राज्य हैं अब तक, तो आपको सबके CM और राज्यपाल राजधानी वगैरह ये सब अब तो पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात हो गई है, अब तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें आपसे अंदरूनी तक पूछते हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं करा रहा हूँ आपको। पांचवा क्वेश्चन आप देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रेलवे के कितने कोच को COVID-19 के आइसोलेशन बेड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैंने आपको जो बताया था वही इसमें आ गया है क्वेश्चन के रूप में। तो नियर अबाउट 5000 बेड को क्या किया जाएगा, जो रेलवे क्या कर रही है, रेलवे बोर्ड है वो क्या कर रहा है, आइसोलेशन बेड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक कोच है, ये पूरा कोच है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा यहाँ सीटें बनी होती हैं, तीन सीटें बनी होती हैं और एक यहाँ पे दो सीटें ऊपर होती हैं, तो इन दोनों सीटों को हटा दिया गया है, इस सीटों को भी हटा दिया गया है, इन सीटों को भी हटा दिया गया है। सिर्फ क्या है, अगर आप कंपार्टमेंट में देखोगे तो सिर्फ आमने सामने के दो ही सीटें हैं और उन्हीं दोनों सीटों को आइसोलेशन बेड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे एक पन्नी पड़ी रहेगी, बीच में पॉलिथीन होगी, ठीक है ना, जिससे दोनों में पार्टीशन होगा, और यहाँ पे लोअर बर्थ है, ये भी लोअर बर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा, इसी तरह से यहाँ पे भी लोअर बर्थ, तो ये पूरा ट्रेन कोच है, ठीक है, यहाँ पे लोअर बर्थ और लोअर। अगर मैं बात करूँ एक पूरे कोच में कितने लोग बैठाए जाएंगे, तो 16 लोग बैठाए जाएंगे। कितने लोग बैठाए जाएंगे, 16 लोग जो है एक कोचेस में बैठाए जा सकते हैं। और जो उनकी खिड़कियां होती है ना, उन पे क्या किया गया है, नेट लगाया गया है, जो मच्छरदानी की नेट होती है वो बेसिकली यहाँ पे मच्छर अंदर ना आए उसके रूप में लगाया गया है, ठीक है। और ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, बहुत सारे अलग अलग राज्यों ने मांग करी है, तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग ट्रेनें हैं। सिर्फ 5000 जो बेड हैं वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, अलग अलग राज्यों में है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल कितने स्टेशन है, 215 स्टेशन है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अगली न्यूज़ है वो आपके सामने चार्ट रिप्रेजेंट हो रहा होगा, उस चार्ट को देखिएगा।
चार्ट में देखिएगा, यहाँ पे यह वर्ल्ड का चार्ट है, कोविड 19 सिचुएशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, टोटल जो कंफर्म्ड केस हैं वो कितने हैं, 80 लाख टोटल केसेस हैं जो प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं, और डेथ कितनी हो चुकी है, 4,38,000 डेथ हो चुकी हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर यूएस है 21,23,000 केसेस के साथ में। सेकंड नंबर पर ब्राजील है जो 8,88,000 केसेस के साथ में है। तीसरे नंबर पर रशिया है जो 5,44,000 केसेस के साथ में है। और चौथे नंबर पर इंडिया है जो 3,43,000 के साथ में है। और पांचवें नंबर पे यूके है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, आपके सामने चार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसमें देखिएगा जितने भी येलोइश पोर्शन है उसमें कितनी भयंकर तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, तो अभी आप ये सोच सकते हो कि इंडिया में कितने भयंकर तरीके से आगे फैलेगा आगे। ठीक है, चलिए सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवें क्वेश्चन क्या कहते हैं, अभी हाल ही में किस देश ने कोविड फ्री होने का दर्जा जो है वो खो दिया है। तो आप सभी को पता होगा कि न्यूजीलैंड जो था अभी बहुत एक पूरे दुनिया में एक ही मात्र देश था, देश की बात कर रहा हूँ, आइलैंड की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे न्यूजीलैंड का आइलैंड भी है लेकिन वो अपने आप में एक कंट्री है। अभी मैं बताऊंगा आइलैंड और कंट्री में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ पे बात समझिएगा कि जो न्यूजीलैंड है उसको जो है उसने जब कोविड 19 फ्री होने का दर्जा खो दिया है। वहाँ पे दो लोग जो है इन्फेक्टेड निकले हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखना चाहिए लिख लीजिए, न्यूजीलैंड जो है उसने कोविड 19 फ्री होने का दर्जा जो है वो खो दिया है। अब मैं बताता हूँ कि न्यूजीलैंड है का, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया देश, ऑस्ट्रेलिया मतलब सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया आइलैंड है पूरा एक। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट भी है, कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे न्यूजीलैंड इस तरह से फैला हुआ है काफ़ी एरिया में, इधर 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 इधर। ठीक है, और यहाँ पे कुक आइलैंड है, यहाँ पे कुक आइलैंड है, कुक आइलैंड। यहाँ पे एक समाज समझिएगा कि न्यूजीलैंड जो है ना वो भी आइलैंड है, कुक आइलैंड भी आइलैंड है, लेकिन इसको जो है कंट्री का दर्जा मिला हुआ है, और कुक आइलैंड एक आइलैंड है, इसको कंट्री का दर्जा नहीं मिला है। अच्छा, कुक आइलैंड की जो निगरानी रखता है ना भाई, इस देश की अपनी कोई चीज नहीं है। ठीक है, जो इसकी मिलिट्री पावर है वो कौन प्रोवाइड करता है, न्यूजीलैंड प्रोवाइड करता है। जो इसकी विदेश नीति कौन प्रोवाइड करता है, यही न्यूजीलैंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सब चीज़ें भाई मेन एसेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब न्यूजीलैंड ही अपनी सुविधाएं देता है। ठीक है, तो जो कुक आइलैंड पर मेन कब्जा किसका है, न्यूजीलैंड का कब्जा है। ठीक है, और ये बेसिकली कॉन्टिनेंट है, ये एक द्वीप है जो न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड मैंने आपको बनाया। ठीक है, न्यूजीलैंड के कभी कभी पीएम पूछ सकते हैं, तो जैकिंडा है पीएम। कौन है, जैकिंडा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विलिंगटन क्या है, इसकी राजधानी है, राजधानी। ठीक है, या कैपिटल बोले तो क्या है, विलिंगटन। ठीक है, चलिए ये सातवां क्वेश्चन हो गया, आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 20 जून को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस होता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 20 तारीख को वर्ल्ड योगा डे नहीं होता है, 21 जून को होता है वो। ठीक है, तो 20 तारीख को कौन सा होता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे होता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब होता है, 20 जून को होता है। ठीक है, अच्छा 21 जून को क्या होता है, 21 जून को होता है वर्ल्ड योगा डे। ठीक है, मैंने आपको 12 तारीख को कराया था, 12 तारीख को क्या होता है, 12 जून को क्या होता है, एंटी चाइल्ड लेबर डे। देखिए जितने भी डेज होते हैं ना उनको ज़्यादातर इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करा करिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्हांसमेंट होती है, इंग्लिश पढ़ने थोड़ी सी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, और आपको ये जो डेज है ना वो उनका ज़्यादातर मतलब इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना, तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।